मेरा प्रोग्राम थोड़ा लेट चला, काफी भीड़ थी, देरी हो गई, तो शुरुआत में मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि आपको कष्ट हुआ, आपको यहां रुकना पड़ा। मैं आपसे आज दो तीन चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने देखा होगा कि आस्ते आस्ते देश में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका फायदा जरूर लोग उठाते हैं, मगर इसकी जड़, इसका कारण मैं आपको बताना चाहता हूं। हर देश का, हर सरकार का काम अपने युवाओं को रास्ता दिखाने का होता है, डायरेक्शन देने का होता है। इस देश में हर रोज 30,000 युवा, हर 24 घंटे 30,000 नए युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। अगर हमने अभी घड़ी शुरू की, 24 घंटे बाद हिंदुस्तान में 30,000 युवा रोजगार ढूंढने के लिए निकलेंगे। अगर देश को रास्ता दिखाना है तो युवाओं को रास्ता दिखाना पड़ेगा। और सच्चाई है, ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये एनडीए सरकार के आंकड़े हैं, कि सच्चाई है कि हर 24 घंटे 30,000 युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। और ये जो हमारा देश है, हमारी जो सरकार है, 30,000 में से सिर्फ 400 को रोजगार दे पाती है। और ये सिर्फ गुजरात की बात नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात है। और मैंने बेरोजगार युवाओं की बात की ही नहीं, वो अलग है। गुजरात में 30 लाख है, हर प्रदेश में आपको लाखों में मिलेंगे। और इस देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये देश अपने युवाओं को रोजगार दे पाएगा या नहीं, क्या ये देश अपने युवाओं को रास्ता दिखा पाएगा या नहीं। मोदी जी ने 2014 में इस देश के युवाओं से वायदा किया था, कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। कहा 2 करोड़ की बात और कहा 1 दिन में 400। हमारा वो मुकाबले चीन के साथ है। आप दुकान में जाते हैं, शर्ट खरीदते हैं, बटून खरीदते हैं, कैमरा खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, इन सब के पीछे मेड इन चाइना लिखा होता है। जब भी आप एक फोन खरीदते हैं या पैंट खरीदते हैं, आपको मालूम होना चाहिए आप चीन के किसी युवा को रोजगार दे रहे हो। चीन में हर रोज 40,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान में 400 को और चीन में 40,000 को। यह सच्चाई है और इस बात को मानना ही पड़ेगा। मानने से पहले इस बात पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है और हमारी सरकार इस बात को मानती ही नहीं है। ये देश चीन से मुकाबला कर सकता है अगर सरकार
अपना पूरा का पूरा ध्यान रोजगार दिलाने में लगाए, हम चीन का मुकाबला कर सकते हैं। अगर चीन 40,000 युवाओं को रोज रोजगार दे सकता है तो मैं आपको यहां से कहता हूं कि हिंदुस्तान 50,000 को दे सकता है। मगर हमारी सरकार का, गुजरात की सरकार का, हिंदुस्तान की सरकार का भैया ये आंखों में खड़ो है और सब वो सुनाई दे रहा। हिंदुस्तान की सरकार का, गुजरात की सरकार का लक्ष्य कहीं और है। गुजरात में हजारों छोटे बिजनेस हैं, हजारों मिडिल साइज के बिजनेस हैं। ये आपकी रीढ़ की हड्डी है, इनको गुजरात की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार मदद नहीं करती।